press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज दोबारा हम एक बार आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को भारतीय मौलाना साजिद रशीदी से भिड़ते हुए। आप पहले भी देख चुके हैं कि इन दोनों की भिड़ंत बहुत ही मजेदार होती है, जहां आरजू काजमी के तीखे सवालों का जवाब मौलाना हमेशा अपने तथ्यों से देने की कोशिश करते हैं पर फंस जाते हैं। बेशक हम हिंदुस्तानी हैं और आरजू काजमी एक पाकिस्तानी, पर हम हमेशा सच का साथ देने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी, बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है, सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे, और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों, मतलब ये सब कुछ क्या याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन ये है कि अगर अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना दीन है। अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नमाज फला वक्त में ना पढ़ो तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन है। 30 दिन के रोजे रखना ये दीन है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना तो उस दिन रोजा ना भी दीन है। अब समझ लीजिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दीन जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे, शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाहे जिंदगी गुजारी है, कुरान चाहे जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है, लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूं कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है। जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है, कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि शराब जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए कुरान की मुखालफत कौन सा दीन है, कुरान के खिलाफ अमल करना ये कौन सा दीन है, आप मुझे बता दीजिए। आप भी मुसलमान हैं, अगर आप मुझे इस बात की ताईद कर दें, मुझे बता दें कि नऊज बिल्ला कुरान से अलग कोई जिंदगी दीन हो सकती है, तो बता दीजिए। हमने तो आज तक ये पढ़ा है किताबों में,
और कुरान में भी ये है कि जो कुरान की जिंदगी पर अमल करे, कुरान की बात पर अमल करे, वही दीन है। और हदीस चूंकि कुरान से निकली हुई बात है, यानी अल्लाह के रसूल ने वही फरमाया जो कुरान ने कहा है। हदीस कुरान की तफसीर है, यानी हदीस कुरान का ट्रांसलेट है। तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हदीस को मैं नहीं मानता? चलिए आप हदीस को नहीं मानते, कुरान को तो मान लीजिए। कुरान में कहा है कि शराब हराम है, कुरान में कहा है जुआ हराम है, कुरान में कहा है फिल्म देखना हराम है, आप तो सिनेमा घर खुलवाने, आप तो शराब पीने की इजाजत दे रहे हैं, तो कौन से मुसलमान है भैया? आप मुझे बता दीजिए, आप हदीस को मत मानिए, चलिए नहीं मानिए, कुरान को तो आप मानेंगे। कुरान में कहाँ जायज है शराब, कुरान में कहाँ जायज है जुआ, कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना, कहाँ जायज है मुझे बता दीजिए? कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुरका छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूं क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे, आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 को सच्चा वाकया नहीं है, 9/11 घड़ा हुआ वाकया है, ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने। और हमने तारीख में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि यहूदी और ईसाइयों ने जब इस्लाम को खत्म करने की पूरी ताकतें लगाई और वो इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए, कुरान के नुस्खे तक उन्होंने जलाने की कोशिश की। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, पाकिस्तान भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आता था, पाकिस्तान भी जब मुत्तहिदा, यूं कहिए कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उस वक्त अंग्रेज ने कुरान के नुस्खे तक जलाने की बात की और जलाए बहुत सारी जगहों पर। जब उन्होंने देखा कि कुरान को जलाने से भी इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये चाल अपनाई कि इस मुसलमानों के अंदर उरियानियत, वहाशी और ऐसी चीजें मुसलमान की जिंदगी में पैदा की जाए ताकि इस्लाम की जो रूह है वो मुसलमान के अंदर से खत्म हो जाए। आज वही हो रहा है, मुसलमान है लेकिन रूह उसके अंदर इस्लाम की नहीं, आज उसके अंदर रूह यहूदी और ईसाइयों की है। आज वो सारे काम कर रहा है जो यहूदी और ईसाई कर रहे हैं। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है। आज फिर उन्हीं मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मुझे, मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट हूँ, मुझे सवाल करने का हक नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। पाकिस्तान में जितनी जिहादी तंजीम है वो क्या जिहाद कर रही है? आप मुझे बता दीजिए, जिहाद मैं भी तो आपसे नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि गलत कर रही है, जो जिहादी तंजीमें हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रही है। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और तो जो शोहर आपके आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आप, आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए, वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब, वहां अय्याशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा, ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है।
औरतों को भी अच्छा तो कोई आप चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और अच्छा आप लोग यार 72 हूरे लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नऊज बिल्ला मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ, मैं तो कुरान अल्लाह नऊज बिल्ला मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। जन्नत में नहीं ठीक, अच्छा नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि बहुत हमारे यहाँ तबलीग की जाती है, जबरदस्ती की तबलीग मुसलमान कर रहे हैं किसी को, तो जिसको भी करते हैं चाहे वो किसी भी मजहब का, उनके मजहब वाले मारने के लिए नहीं आ जाते अगर कोई मुसलमान हो जाए। लेकिन इस्लाम में अगर कोई इस्लाम छोड़ना चाहे और किसी और रिलीजन में जाना चाहे, या कहीं भी ना जाना चाहे, ओके बस मैंने आज से कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो हमारे यहाँ सब उठ जाते हैं मारने के लिए कि नहीं जी ये तो इसको तो मार देना चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह की कई चीजें जो है निकाल रखी हैं। ऐसा क्यों है? इस्लाम ने वो आजादी क्यों नहीं दी है कि कोई इसमें से निकल भी सकता है, जब आ सकता है तो जाने भी दीजिए। कौन कहता है इस्लाम में आजादी नहीं थी? इस्लाम ये कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने मुल्क की बात करूँ हिंदुस्तान में, जैसे हर आदमी को अपने रिलीजन पर अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, ऐसे ही कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हर आदमी को आजादी है अपने दीन पर अमल करने की। आप और ये भी कहा है ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ना दीन में लाने के लिए जबरदस्ती है, ना दीन में अगर कोई आदमी चला जाए उस पर जबरदस्ती करने का किसी को हक है। कुरान ने साफ कहा है। तो अगर कोई आदमी कुरान को ना माने और फिर किसी पर जबरदस्ती करे तो इसमें ना तो दीन का कोई मामला है ना कुरान का कोई मामला है। ये तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं कर रहा हूं अपने मन से ये सारी बातें। दीन इस्लाम नहीं कहता, दीन इस्लाम तो ये कहता है जो इस्लाम को मानना चाहे वो इस्लाम को माने, जो इस्लाम को नहीं मानना चाहते वो इस्लाम को न माने। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। दीन इस्लाम ने ये थोड़ा ही कहा कि तलवार लेके उनकी गर्दन उड़ा दो। आप क्या जितनी भी जंगें सहाबा कराम के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में हुई है, एक जंग मुझे आप ऐसी बता दीजिए वो तो जंग जो है दिफाई ना हो। सारी जंगें दिफाई, यानी जब अटैक हुआ तो उसको बचाव के लिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान पढ़कर गए हों और जाके सर कलम कर दिए हों नऊज़ बिल्ला गैर मुस्लिमों। हाँ इतना जरूर है कि दावत जरूर दी है, अल्लाह के नबी ने भी दी है, तमाम उस वक्त के बादशाहों को अल्लाह नबी ने, अल्लाह के नबी ने खतूत भेजे हैं कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप मुझे मान लीजिए, अल्लाह को मान लीजिए और ये दीन सच्चा है। तो दावत देना अलग काम है, लेकिन जो आदमी इस्लाम ना लाए या मुसलमान से मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, उस पर जबरदस्ती करना या उसकी गर्दन कलम करना या इस तरह की बातें करना कि अगर कोई इसकी गर्दन कलम कर देगा मैं 50 लाख दूंगा, मैं 50 करोड़ दूंगा, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब सिर्फ सियासी बातें हैं और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह के काम मुसलमान करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तमाम टीवी शोज में कि इस्लाम को कभी भी मुसलमान की जिंदगी से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस्लाम की जिंदगी मुसलमान के अंदर देखना चाहिए। अगर मुसलमान में इस्लाम की जिंदगी है तो वो सच्चा मुसलमान है, अगर उसके अंदर इस्लाम की जिंदगी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक मुसलमान शराब पीता है तो नऊज़ बिल्ला इस्लाम में शराब जायज होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा कि कुरान ने शराब हराम की है तो शराब हराम है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान उसको जायज करे या पाकिस्तान के इमरान खान उसको जायज करें, वो जायज नहीं हो सकती, वो हराम है तो वो हराम है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, एक पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो सऊदी का मुसलमान है,
या पाकिस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का मुसलमान, ये दीन इस्लाम जो है कुरान का नाम है, अल्लाह की बात को मानने का नाम है। इसके अलावा जो भी जिंदगी जिएगा, चाहे वो सऊदी का मुसलमान हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जो कुरान के खिलाफ जिंदगी जिएगा वो फिर अल्लाह समझे उसको, उसके साथ क्या मामला करेगा। मैं समझता हूँ मेरी नजर में वो मुसलमान है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आखिरी में जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ख्याल से, बहुत से दोस्त हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे, क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं हमारे आबाओ अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए, उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, योम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है, उसके उनके वालिद चाहे जो भी थे। जैसे सहाबा कराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम भी मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता तो हिंदू तो कोई भी नहीं बचता, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना बर्रे सगीर। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हिंदुस्तान की मिसाल आपको देखता हूँ, जितने भी मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवाया, ईदगाह बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवा दिया। ऐसे जमहूरी अकदार को सामने रखने वाले और उस पर अमल करने वाले मुसलमान बादशाह थे उस वक्त में, कि उन्होंने मंदिरों में दान दिए, मंदिरों में बर्तन खरीद कर दिए, मंदिरों में लंगर चलवाए, मंदिरों को आबाद कराया। तो अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैलता तो माफ कीजिएगा, एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर जो आप कह रहे हैं मौलाना साहब, जो आप कह रहे हैं अगर वही बात सच होती तो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो उठता ही नहीं, वो मसला ही ना होता। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मंदिर था और इसको तोड़कर और ऊपर मस्जिद बना दी गई। अगर आप कह रहे हैं जैसे आप बकौल आपके के जहां पे मस्जिद होती थी वही मंदिर होता था, जहां मंदिर होता था वहां मस्जिद, तो फिर इस तरीके से फिर मंदिर को ना तोड़ा गया होता और बाबरी मस्जिद ना बना दी गई होती। आप जो है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बाबरी मस्जिद को लेकर, शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, जब जजमेंट दिया इसका, तो चार बातें पर चेक कही। सबसे पहली बात ये कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। दूसरी बात ये कही कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी वो गैर कानूनी तरीके से रखी, यानी चोरी से रखी गई थी। तीसरी बात ये कही कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इनलीगल था, वो गैर कानूनी था। चौथी बात ये कही कि जो लोग मस्जिद को तोड़ने में शरीक थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये चार बातें मुख्य रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन उसके बाद में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है 142, यानी उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि तमाम सबूत और शवाहिद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है वो फैसला उसके खिलाफ दे सकते हैं,
ये उनको पावर है, इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने उस हक का इस्तेमाल करते हुए फिर भी ये जगह राम मंदिर को दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहा, हिंदुस्तान के मुसलमान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे संविधान में और देश की अदलिया पर यकीन रखता है और ऐसी कोई बात अपनी तरफ से नहीं करना चाहता जिससे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में नफरत फैले और कोई इस तरह की बात। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए, ऐसा कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। इसीलिए मैंने एक बयान दिया था उसके बाद में, जिसके खिलाफ मेरे खिलाफ बड़ी लेदे हुई। मैंने ये कहा था कि आज तो ये बात साबित हो गई कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन आज जब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई जा रही है और इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, इसकी तारीख लिखी जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें जब उस तारीख को पढ़ेंगी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, हो सकता है उस वक्त में कोई आदमी ऐसा पैदा हो जाए जो मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाए। मैंने ये बयान दिया था और आज भी मैं अपने उस बयान पर कायम, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो मुझे ये कहने का पूरा पूरा हक है कि आज मस्जिद तोड़कर इलीगल तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है, तो जब हिस्ट्री आने वाले वक्त में पढ़ी जाएगी तो जाहिर बात है मुसलमानों का खून जो है जोश में आएगा और ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाए, ना मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने वाला वक्त क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी चीजें समझने को मिली, लेकिन यही है कि मुसलमानों का जोश अगर एजुकेशन की तरफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि वो कोई वैक्सीन बना लें, कभी कोई मेडिसिन बना लें, कभी कोई साइंटिस्ट निकल आए, और कभी कोई, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की कोई चीज ईजाद कर दें, बजाय इसके कि बस सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बीच में ही इधर से उधर होते रहे, उससे बेहतर है के एजुकेशन की तरफ जाएं, जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज में से शायद जो दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, ये चीज कभी भी मुसलमान इसकी तरफ नहीं जाते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या आज आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया।